हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। डियर फ्रेंड्स, आप ये जो पत्ती देख रहे हैं, इसमें ये जो जाली जैसा दिख रहा है, इसे विज्ञान की भाषा में सिरा विन्यास कहते हैं। आपने भी अपने आसपास कभी देखा होगा कि जब पत्ती का हरा भाग किसी कारण खत्म हो जाता है, यानी जो क्लोरोफिल वाला हिस्सा होता है वो खत्म हो जाता है, तो पत्ती का अस्थि पंजर दिखने लगता है, जिसे सिरा विन्यास कहते हैं। तो ये सिरा विन्यास अलग अलग पत्तियों में अलग अलग तरह का होता है। तो आज के वीडियो में हम इसी सिरा विन्यास के बारे में बताएंगे, अर्थात वेनेशन ऑफ लीफ के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो ध्यान से अंत तक देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वेनेशन या सिरा विन्यास की परिभाषा बता देते हैं। रेशे तथा संवहन ऊतक जो तने से पत्ती को वृंत के द्वारा प्राप्त होते हैं, फलक के अंदर प्रवेश के समय, यानी पत्ती के अंदर प्रवेश के समय ही कई प्रकार से विन्यासित हो जाते हैं या अलग अलग तरह से विन्यासित हो जाते हैं। इन समूहों को सिराएं या वेंस कहते हैं, तथा इनके विन्यास को सिरा विन्यास या वेनेशन कहा जाता है। चलिए इस परिभाषा को अच्छी तरह से चित्र के माध्यम से आपको समझा देते हैं, ताकि आप जान जाएं कि वेनेशन या सिरा विन्यास क्या होता है। तो ये जो पत्ती का चित्र आप देख रहे हैं, आप इसमें ये जो नीचे का भाग है, इसे वृंत या पर्णवृंत कहते हैं, जो तने से लगा होता है या यहीं से तने से जुड़ा होता है। तो इसी वृंत से संवहन ऊतक तने के द्वारा इस पत्ती में पतले पतले रेशे के रूप में अंदर आते हैं, अर्थात कुछ धागे जैसी संरचनाएं संवहन ऊतक की इसी पत्ती के अंदर प्रवेश करते हैं। और जब ये पर्णफलक में प्रवेश करने लगते हैं, यानी जब पत्ती में प्रवेश करने लगते हैं, तो ये देखिए कई भागों में बट जाते हैं या अलग अलग भागों में बट जाते हैं, विन्यासित हो जाते हैं। तो इन सभी को मिलाकर के सिराएं कहा जाता है, यानी ये जो पतली पतली नसें होती हैं, यही सिराएं या वेंस होती हैं, तथा इन सभी के विन्यास को या पूरे जाल को ही सिरा विन्यास कहते हैं या वेनेशन कहते हैं। तो अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि सिरा विन्यास क्या होता है या वेनेशन क्या होता है। चलिए अब आप लोगों को सिरा विन्यास के प्रकार अथवा टाइप्स ऑफ वेनेशन के बारे में बता देते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेनेशन या सिरा विन्यास के प्रकार का ये जो मैंने चार्ट बनाया हुआ है, जिसे आप देख रहे हैं, इसमें वेनेशन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला जालिका रूपी सिरा विन्यास या रेटिकुलेट वेनेशन, तथा दूसरा है समांतर सिरा विन्यास या पैरालेल वेनेशन। आपको यहीं पर एक बात और बता दूं कि ये जो जालिका रूपी या रेटिकुलेट सिरा विन्यास होता है, ये मुख्य रूप से द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है, कुछ को छोड़कर, तथा जो समांतर सिरा विन्यास होता है, यह मुख्य रूप से एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है, कुछ को छोड़कर। जब किसी सिरा की प्रत्येक शाखा कई बार विभाजित होकर एक जाल सा बना लेती है, तो उसे जालिका रूपी या जालिकावत सिरा विन्यास अथवा रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं, तथा जब किसी सिरा की शाखाएं एक दूसरे से अलग अलग रहती हैं और जाल नहीं बनता है, तो उसे समांतर सिरा विन्यास या पैरेलल वेनेशन कहा जाता है। फिर देखिए, जालिका रूपी को दो भागों में बांटा गया, एक सिरी जालिकावत सिरा विन्यास तथा बहुसिरी जालिकावत सिरा विन्यास। इसी प्रकार से समांतर सिरा विन्यास को भी दो भागों में बांटा गया है, एक सिरी सिरा विन्यास तथा बहुसिरी समांतर सिरा विन्यास। तो जो एक सिरी जालिकावत सिरा विन्यास है, इसको पहले समझा देते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जब सिरा विन्यास जालिका रूपी होता है, तो पर्णवृंत में से एक ही मुख्य सिरा होती है, जिसे मध्य सिरा कहा जाता है, जो पर्णफलक के मध्य में स्थित होती है, यानी पत्ती के बीच में स्थित होती है। इसी मध्य सिरा से छोटी छोटी शाखाएं निकलकर पूरे फलक या पत्ती की चौड़ाई में फैली होती हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये है मध्य सिरा, और इस मध्य सिरा से अन्य छोटी छोटी सिराएं, अन्य छोटी छोटी शाखाएं निकल करके फलक या पत्ती की चौड़ाई में फैली हुई हैं। फिर इन्हीं से
अन्य छोटी छोटी सहायक सिराएं निकलती हैं जो आपस में मिलकर एक जाल सा बना लेती हैं। उसे ही एक सिरीय जालिका रूपी सिरा विन्यास कहते हैं। ये मुख्य रूप से आम, पीपल, अमरूद आदि अनेक द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। अर्थात कहा जाए तो साधारणतः द्विबीजपत्री पौधों में जालिकावत या जालिका रूपी या रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। तो ये तो हुआ एक सिरीय जालिकावत सिरा विन्यास। अब आते हैं बहुसिरीय जालिकावत सिरा विन्यास या जालिका रूपी सिरा विन्यास पर। तो इस प्रकार के जालिका रूपी सिरा विन्यास में, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, पर्णवृंत के सिरों से जब सिराएं निकलती हैं तो अनेक मोटी सिराएं एक साथ निकलती हैं जो समान मोटाई की होती हैं और फलक के किनारे तक फैली होती हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, अपसारी तथा अभिसारी, या अंग्रेजी में कहें तो डाइवर्जेंट तथा कन्वर्जेंट। ये दो प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जब सिराएं बाहर की ओर क्रमशः फैलती जाती हैं, या कहा जाए दोनों किनारों की ओर फैलती जाती हैं और दूर दूर होती हैं, तो उसे अपसारी या डाइवर्जेंट बहुसिरी जालिकावत सिरा विन्यास कहा जाता है। अपसारी के कुछ उदाहरण आपको बता देते हैं जिनमें अपसारी जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। तो इनमें से है रेंडी, तुरई, पपीता आदि। अब आते हैं दूसरे भाग, अभिसारी या कन्वर्जेंट वेनेशन पर। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जब सिराएं बाहर की ओर फैलती हैं और कुछ दूरी तक जाने के बाद फिर शीर्ष की ओर जाते जाते पास पास आ जाती हैं, तो उसे अभिसारी सिरा विन्यास या कन्वर्जेंट रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब सिराएं बाहर की ओर फैलती हों और कुछ दूरी तक जाने के बाद फिर शीर्ष की ओर जाते जाते पास पास आ जाती हूँ, तो उसे ही अभिसारी सिरा विन्यास कहा जाता है। तो अभिसारी के कुछ उदाहरण आपको बता देते हैं, जैसे बेर, तेज पत्ता आदि में अभिसारी या कन्वर्जेंट रेटिकुलेट विनेशन पाया जाता है। तो ये तो हुआ जालिका रूपी सिरा विन्यास और उसके भाग या प्रकार। अब आते हैं समांतर सिरा विन्यास या पैरेलल वेनेशन पर। तो समांतर सिरा विन्यास के भी उसी प्रकार से दो भाग होते हैं, या इसको भी उसी प्रकार से दो भागों में बांटा गया है, एक सिरीय समांतर सिरा विन्यास तथा बहुसिरीय समांतर सिरा विन्यास। पहले एक सिरीय समांतर सिरा विन्यास को समझ लेते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जब मध्य सिरा से निकलने वाली सहायक सिराएं तट या किनारे की ओर, चाहे आप तट कहें चाहे पत्ती के दोनों किनारे कहें, किनारे की ओर बढ़ती हैं, तो ये जाल नहीं बनाती हैं, अर्थात पृथक पृथक रहती हैं या अलग अलग रहती हैं, उसे एक सिरीय समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। जैसे केला, केली आदि में एक सिरीय समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं। अब आते हैं बहुसिरीय समांतर सिरा विन्यास पर। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जब कई मोटी सिराएं एक साथ पर्णफलक के आधार में प्रवेश करती हैं, यानी पर्णफलक के अंदर प्रवेश करती हैं और तट या किनारे की ओर फैलती हैं, तथा इनकी शाखाएं या उपशाखाएं आपस में कभी नहीं मिलती हैं, तो उसे बहुसिरीय समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, अपसारी तथा अभिसारी। पहले अपसारी को समझ लेते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जब वृंत से निकलती हुई मोटी सिराएं तट की तरफ या किनारे की तरफ फैलती चली जाती हैं तथा क्रमशः दूर दूर होती जाती हैं या एक दूसरे से दूर होती हैं, तो उसे अपसारी बहुसिरीय समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। जैसे आपको बता दें उदाहरण के रूप में, ताड़ की पत्ती होती है, ये चित्र में आप देख रहे हैं। अब आते हैं अभिसारी पर। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जब मोटी सिराएं पहले तट या किनारे की ओर फैलती हैं परंतु बाद में शीर्ष की ओर पास पास आ जाती हैं, तो उसे अभिसारी बहुसिरीय समांतर सिरा विन्यास कहा जाता है। यानी अपसारी में दूर दूर थी, अभिसारी में क्या होता है कि पास पास आ जाती हैं, तो उसे अपसारी बहुसिरीय समांतर सिरा विन्यास कहा जाता है। जैसे अभिसारी के कुछ उदाहरण आपको बता देते हैं, बांस, घास, ईख
आदि में अभिसारी समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। तो इस प्रकार से शिराविन्यास और उसके प्रकार आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आपको पता चल गया होगा कि शिराविन्यास क्या है, ये कितने प्रकार का होता है और अलग अलग पत्तियों में या किन किन पत्तियों में कैसा कैसा होता है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।